अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम थ्रेड चिकन बनाने वाले हैं। थ्रेड चिकन की बहुत सी रेसिपीज़ आपने देखी होंगी, जिसका मेथड बनाने का एक ही है। अगर किसी चीज़ से फ्लेवर में डिफरेंस आता है तो वो इसकी मैरिनेशन है, और इसकी मैरिनेशन मैं किन चीज़ों के साथ करती हूँ वो आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने सोया सॉस लिया है, ये एक टेबल स्पून है। चिली सॉस हमें चाहिए होगा, ये भी एक टेबल स्पून है। पिसी हुई काली मिर्च मैंने ली है, दैट इज़ ब्लैक पेपर पाउडर, ये एक टीस्पून है। बारबेक्यू सॉस हमें चाहिए होगा, ये दो टेबलस्पून है। सिरका लिया है मैंने, दैट इज़ विनेगर, ये एक टेबलस्पून है। लहसुन और अदरक की पेस्ट चाहिए होगी, दैट इज़ जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये एक टेबलस्पून है। हमें एक या दो अंडे चाहिए होंगे, हम देख लेंगे कि कितनी ज़रूरत है। सॉल्ट हम टू टेस्ट डालेंगे। मैदा लिया है मैंने, दैट इज़ वाइट फ्लावर, ये एक कप है। दो चिकन के ब्रेस्ट लिए मैंने, जिन्हें मैंने यूँ पहले फिले में काटा और इसके बाद इन्हें दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। मैंने इन्हें हल्का सा पंक कर लिया है, इससे ये होता है कि रेशा टूट जाता है और मैरिनेशन अच्छे से अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसके अलावा हमें समोसे या रोल की शीट चाहिए होगी, जिसे मैं अभी थ्रेड में काट लूँगी। सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना होगा। मैं एक गहरे बाउल में चिकन के फिले डाल रही हूँ, इसके अंदर सोया सॉस डाल रही हूँ जो एक टेबलस्पून है, चिली सॉस डाल रही हूँ ये भी एक टेबलस्पून है, बारबेक्यू सॉस टू टेबलस्पून। बारबेक्यू सॉस से इसके अंदर बहुत अच्छा स्मोकी सा फ्लेवर आएगा, जो आपको बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट लगेगा। पिसी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ मैं, ये एक टीस्पून है। विनेगर डाल रही हूँ, सिरका ये भी एक टेबलस्पून है। जिंजर और गार्लिक पेस्ट हमें चाहिए होगी, ये भी एक टेबलस्पून है। और हमें थोड़ा सॉल्ट चाहिए होगा, लेकिन सॉल्ट थोड़ा हाथ रोक के डालिएगा, क्योंकि विनेगर में सोया सॉस में भी नमक होता है और बारबेक्यू सॉस में भी, तो हम बहुत थोड़ा डाल रहे हैं, बाद में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करें, इट्स बेटर टू यूज योर हैंड्स, हाथों को धो लें क्योंकि सफाई बहुत जरूरी है। और अब आप इसको मैरिनेट होने के लिए 2 घंटों के लिए रख दें। अगर आप इसे 1 घंटे के लिए रखते हैं या आधे घंटे के लिए रखते हैं तो भी ठीक है, फ्लेवर आपको मिलेगा इसके अंदर। लेकिन अगर आप 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे तो फिर ये तमाम मसाले और सॉसेस अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और जब आप इसे फ्राई करेंगे तो उसके बाद आपको चिकन अंदर से मॉइस्ट और जूसी मिलेगा। तो अगर आप इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट करते हैं, अगर चाहें तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं, मैरिनेशन करके रख दें और जब आपको ज़रूरत है आप इसे फ्राई करें। तो मैं इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर रही हूँ और उसके बाद देखते हैं। जी, तो मैंने रोल की स्प्रिंग रोल की शीट्स ली हैं, जिन्हें मैंने पहले यूँ अलग अलग कर लिया है। ये देखिए, इन सब शीट्स को मैंने यूँ अलग अलग कर लिया है। अब मैं एक नाइफ ले रही हूँ और इसके साथ मैं इन्हें यूँ पतली स्ट्रिप्स में काट लूँगी। ये देखिए, यूं आप इन्हें काट लीजिए। ऐसे आपने इसे काट लेना है और सिंपली आप इसे यूं करेंगे तो ये सभी खुद से अलग हो जाएंगे। ये देखिए, इन सबको मैं इसी तरह काट लूंगी। चिकन हमारी 2 घंटे के लिए मैरिनेट हो गई है। समोसे की शीट्स को मैंने यूं स्ट्रिप्स में काट लिया है और अंडे को मैंने बीट कर लिया है। अब हमें करना ये है, और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हमें करना ये है कि इसे मैं सबसे पहले मैदे के अंदर कोट करूँगी। रीज़न इसकी ये है कि मैदे के अंदर कोट करने से तमाम सॉसेस जो हमने इसके अंदर डाली हैं उन पे मैदे की कोटिंग चढ़ जाएगी और वो लॉक हो जाएंगे। इसके बाद
मैं इसे अंडे में डिप करूंगी। स्ट्रिप्स को यहाँ पर मैंने लंबे से रखा हुआ है और इन्हें मैं यूं रोल कर लूंगी ताकि हमारी स्ट्रिप्स उतरने का डर ना रहे। यूं आप इसे रोल कर लें और इसे मैं फ्राई कर लूंगी। ऑयल मैंने गरम कर दिया है और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो समोसे की शीट्स हैं वो बहुत पतली होती हैं। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो वो ऊपर से जल जाएंगी और हमारी चिकन अंदर से कच्ची रह सकती है। इसलिए ऑयल को आप ज़रा कम गर्म करिएगा और लो टू मीडियम हीट पर रखिएगा। और अब मैं इस चिकन को आराम से पकड़ कर ऑयल में डाल रही हूँ और इसे आपको लो टू मीडियम हीट पर फ्राई कर लेना है। ओवर स्टफ मत करिएगा, अगर दो की जगह है तो दो ही डालें और इन्हें फ्राई होने दें। हमारी थ्रेड चिकन रेडी हो गई है, मैंने इसे लो टू मीडियम हीट पर फ्राई कर लिया है और ये अंदर से अच्छे से पक गई है, मॉइस्ट है, बहुत क्रिस्पी है, बहुत मज़े की है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, मेरे तरीके से थ्रेड चिकन को बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पर डालने वाली हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।